हेलो दोस्तों, आपके अपने मरुद्रा यूट्यूब क्लास पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो स्टूडेंट 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंटों के लिए आज एक ऑफिशियल अपडेट आज दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुआ। इसमें कहा गया है कि कब 10वीं का और 12वीं का पेपर होगा। ये आपको एकदम ऑफिशियल अपडेट हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर दैनिक भास्कर में, आप देख सकते हैं यहाँ पर 26 मार्च 2020 को ये प्रकाशित हुई है खबर। इसमें आया है यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 अप्रैल तक प्रदेश के, यहाँ पर दिखाए प्रदेश के 20.58 लाख स्टूडेंट्स को बोर्ड परीक्षा के शेष पेपरों के लिए अभी और करना पड़ेगा इंतज़ार। यहाँ पर आया 15 अप्रैल तक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शेष सभी परीक्षा को आयोजन की यहाँ पर कोई संभावना नहीं, क्योंकि आपको बताया यहाँ पर 14 तारीख तक लॉकडाउन किया गया है पूरे भारत को, तो 14 तारीख के बाद 15 तारीख तक तो आपका कोई पेपर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर आया राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षाएं देने वाले प्रदेश के 20,58,000 से अधिक विद्यार्थियों को शेष परीक्षाओं के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। देश भर में लागू लॉकडाउन की अवधि 21 दिन बढ़ाने के बाद बोर्ड परीक्षा का नया कार्यक्रम अभी तय नहीं कर पाया है। उसके बाद यहाँ पर आया राजस्थान बोर्ड की परीक्षा 10वीं और 12वीं में इस बार कुल 20,58,159 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए। इनमें सबसे अधिक 10वीं कक्षा में लगभग 11,35,747 बच्चे, 12वीं क्लास में प्रदेश के 8,67,274 और उसके अलावा विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हैं। बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 12 मार्च से शुरू हुई थी और 24 मार्च को पूरी होने वाली थी, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू हो गई थी और 3 अप्रैल को पूरी होने वाली थी। प्रदेश में सीएम अशोक गहलोत द्वारा कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश भर में धारा 140 लगाने 144 लगाने की घोषणा के बाद बोर्ड ने शेष सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। उसके बाद बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर धर्मपाल ने उस समय कहा था कि अग्रिम आदेश तक परीक्षाएं स्थगित रहेगी। माना जा रहा था कि 31 मार्च तक बोर्ड परीक्षाएं भी स्थगित रहेगी, इसके बाद नया परीक्षा कार्यक्रम जारी होने की संभावना थी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, मंगलवार रात को पीएम द्वारा पूरे देश में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन करने की घोषणा के बाद अब यह संभव नहीं दिख रहा है कि ये परीक्षाएं निकट समय में आयोजित हो सकेगी। यदि पीएम की घोषणा के अनुसार भी बात करें तो 15 अप्रैल तक बोर्ड की परीक्षाएं पुनः होने संभव नहीं लग रहा है। इधर बोर्ड में भी कामकाज ठप है। उधर सरकार के निर्देशों पर निर्भर कोरोना संक्रमण की स्थिति आने वाले दिनों में कैसी रहेगी, इसके लिए बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार परीक्षा समीक्षाएं कर आगे की कार्यवाही कर घोषणा करती है। इस पर बोर्ड परीक्षाओं के नए कार्यक्रम निर्भर करेंगे। फिलहाल बोर्ड के परीक्षार्थियों को घर में रहकर ही शेष रहे पेपरों का अध्ययन की सलाह दी गई है। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा और व्यावसायिक परीक्षा के बच्चे भी इंतजार में। बोर्ड की 10वीं और 12वीं मुख्य परीक्षाओं के साथ ही बोर्ड की वरिष्ठ उपाध्याय के 8,847, परीक्षिका के 6,972 और व्यावसायिक परीक्षा के 42,989 स्टूडेंट भी शेष परीक्षाओं के लिए बोर्ड के नए परीक्षा कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपका जो बोर्ड का शेड्यूल है वो 15 अप्रैल के बाद स्थिति देखी जाएगी, क्या कोरोना वायरस पर नियंत्रण हुआ है, उसके बाद ही आपके शेष आपके आगे की परीक्षाएँ आपके करवाई जाएगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो सही लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।